ये देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि मैंने काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग ला रहा हूँ जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है मेरा डेली व्लॉग कंटिन्यू रहे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चल रहे हैं दोस्तों बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में इकलौता मंदिर है, तो वहाँ का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे व्लॉग में जुड़े रहे, और अभी तो मैं निकल रहा हूँ वहीं के लिए, बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर के लिए। तो चलते हैं फिर दोस्तों। तो चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं कर आने बाकी तेरे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर का गेट, बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा, तो मेरे ब्लॉग में जुड़े रहें दोस्तों। ये रहा मंदिर का गेट, और चलते हैं अंदर। यहाँ पे दोस्तों तीन मंदिर बने हुए हैं, बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर, शिवधाम, और उधर बगल में बना हुआ जगन्नाथ टेम्पल। यह स्तंभ है बालाजी वेंकटेश्वर महाराज जी का, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। बालाजी वेंकटेश्वर महाराज जी, ये रहा हवन कुंड दोस्तों। सभी देवताओं की मूर्ति, दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पंडित जी से पूछता हूँ मंदिर के बारे में, और आपको भी ये पता चले कि ये कितना पुराना मंदिर है, और मंदिर की सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो बताइए पंडित जी। ये श्री वेंकटेश्वर बालाजी टेम्पल, ये और जो है इसमें भू देवी और साथ में भगवती लक्ष्मी देवी और श्री वेंकटेश्वर बालाजी और साथ में सुदर्शन भगवान, और जो आपको सामने दिख रहा हुआ है ये ध्वज स्तंभ है। यहाँ पर भगवान का नित्य सेवा आराधन होता है, नित्य जो है इनका डेली भगवान का 1650 पूजा और नित्य बलिदान और नित्य होम भी होता है, भगवान का नित्य होम होता है। और उसमें ये होता है, सारे हमारे जो भक्त हैं, हिंदी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, कई लैंग्वेज, कई प्रांतों के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और 27 साल इसको लमसम हो चुके हैं, 27 ईयर्स पूरा टोटल पूरा हो चुका है। और प्रतिवर्ष जो है ब्रह्म महोत्सव, कल्याण महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सारे प्रांत के लोग आते हैं, अधिकतर तेलुगु देश, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, तेलंगाना इत्यादि, हैदराबाद, सभी लोगों के आते हैं, जो कि एयरफोर्स के अंतर्गत है। और ये श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर ट्रस्ट है अपना जो है, इसमें डेली सेवा में अन्न का ही सेवा लगता है, डेली अन्न सेवा, सुबह जो है भगवान का फुलोरा इत्यादि, जो है हिंदी में बोले तो खिचड़ी भी, उसका भगवान सेवा में लेते हैं, और रात्रि को भी नैवेद्य लगता है, और भगवान स्वामी को नित्य जो है 1650 रुपये के पाद्य अर्घ, आचमनीय, सर्वांगे स्नान इत्यादि कर करके
पूरा जो है उनका उपक्रम पूरा किया जाता है। और जो है भगवान सामने गरुण जी विराजमान हैं, वो नित्य इनकी सेवा में रहते हैं। भगवान के विशेष दो परिकर हैं, जय और विजय, इनकी बिना उनकी आज्ञा से प्रवेश वर्जित है। तो जब कभी आएँ तो पहले गरुण जी को जो है गरुण जी से आज्ञा लें और भगवान के परिकरों से आज्ञा लें, इसके बाद भगवान स्वामी के दर्शन करें। और दर्शन कहाँ से करें तो कहते हैं चरण, चरण से दर्शन करना चाहिए। चरणों में क्या है, सारे तीर्थों का निवास है भगवान के, ठीक है, सभी नदियों का उसमें है भगवान के चरणों में, सारे वेदों का उसमें प्रमाण है। ये भगवान जो है नारायण साक्षात परब्रह्म है, अखिलांड कोट श्रीमद अखिलांड कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण यहाँ पर विराजमान है, उनकी नित्य सेवा आराधन होती है और हम लोग वैष्णव संप्रदाय से इनकी नित्य आराधना करते हैं और डेली बहुत से भक्त आते हैं, नारियल इनकी सेवा में लगता है और इनको बहुत प्रिय जो फल है नारियल है और बनाना है, केला भी भगवान को जो सेवा में लगता है। और जो भी भक्त आते हैं अपनी सेवा पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी भगवान को अर्पण करते हैं वो भगवान से स्वीकार करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेच्छति, भगवान को जो भी पत्र पुष्प फल जो भी भगवान को अर्पण किया जाता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान वहाँ पर ये नहीं देखते कि आपको भगवान बहुत सारे व्यंजन लाए हो, भगवान तो ये स्वीकार करते हैं कि आप क्या लेके आए। इसलिए भगवान ने गीता में एक वचन का प्रयोग किया, पत्रम मतलब एक वचन, पुष्पम मतलब एक वचन, वहाँ पर फलानी नहीं बोला, केवल एक वचन का प्रयोग किया। इसीलिए भगवान जो भी आप आस्था से भाव से लेके आते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जय श्रीमन्नारायण, गोविंदा गोविंदा, श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा, गोविंदा गोविंदा। धन्यवाद, और पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे सब्सक्राइबरों को बताया। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं शिवधाम मंदिर, और काफ़ी अच्छा मंदिर है आपको देखने को मिलेगा भाई। ये रहा शिवधाम, हर हर महादेव। भाई काफ़ी प्यारा मंदिर, शिव जी का मंदिर काफी प्यारी मूर्ति है, काफी बड़ी मूर्ति है भाई। ब्रह्मा भगवान मेरा श्री जगन्नाथ टेम्पल, जी वेंकटेश्वर। दोस्तों आपको मैंने तीनों धाम घुमा दिए, और दोस्तों यदि आप कानपुर के रहने वाले हों तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, और
यदि जो भी हमारा सब्सक्राइबर है उनने देखा ही होगा बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर का प्रयागराज में आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको देखने मिला होगा। तो अब ये कानपुर ये हमारे लोकल में ही पड़ता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। चैनल कर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दोस्तों।